राजस्थान के टोंक जिले के निवाई सुरभि कुमावत और जयपुर के बासबदनपुरा गलता गेट निवासी शाहिद अली की लव स्टोरी का 8 साल बाद अंत हो गया। इन 8 साल के यादगार लम्हे आए, दोनों के बीच बातों और मुलाकातों का सिलसिला चला। जिंदगी भर साथ निभाने के वादे किए, अब सुरभि इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। जयपुर के मुहाना थाना SHO लखन सिंह खटाना ने बताया कि सुरभि सुसाइड केस में पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया कि सुरभि का परिवार 25 साल से जयपुर में रह रहा है। सुरभि जयपुर नेहरू पैलेस स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में मार्केटिंग मैनेजर थी। सुरभि व शाहिद की 8 साल पहले इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के दौरान दोस्ती हुई, फिर दोनों ने साल 2016 में लव मैरिज कर ली थी। शादी के बाद दोनों इस्कॉन रोड मुहाना स्थित अपार्टमेंट में फ्लैट में रहने लगे। इनके 5 साल की एक बेटी समायरा है। बता दें कि सुरभि पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने जयपुर के कनौडिया कॉलेज में BSc की डिग्री हासिल की थी। मानसरोवर स्थित AIIM में MBA किया और अब 2015 में सुरभि की बैंक में नौकरी लग गई थी। जबकि सुरभि का पति शाहिद 5वीं तक पढ़ा लिखा था। दोनों 2016 में गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद शाहिद ने अपने नाम की अली शब्द हटा लिया और परिवार में अलग सुरभि के साथ रहने लग गया। इसी शनिवार को सुरभि व शाहिद अपनी बेटी के सोसाइटी के एक प्रोग्राम में गए थे। रात करीब 11 बजे लौटे थे। पति और बेटी के सो जाने के बाद सुरभि उठकर दूसरे कमरे में चली गई और देर रात उसने चुन्नी से फंदा लगाकर जान दे दी। रविवार सुबह पति शाहिद की नींद खुली तो उसने पत्नी सुरभि को आवाज लगाई। वो नहीं दिखी तो उसने फ्लैट के दूसरे कमरे में जाकर देखा तो पत्नी फंदे से लटकी थी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। सुरभि के पिता हरिशंकर कुमावत ने उसके पति शाहिद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने बुधवार सुबह सुरभि के पति को गिरफ्तार कर लिया। पिता ने आरोप लगाया कि बेटी सुरभि ने उसने कहा था कि पति उससे बहुत परेशान करता था, जीने का मन नहीं है और परिवार टूटने के डर से हम बेटी को समझाते रहे, चुप रहे, मगर अब बेटी को खो दिया। पुलिस को सुरभि कुमावत का सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने लिखा कि वो खुश रहना चाहती है मगर कोई उसे नहीं समझता, सब उससे परेशान है, वो किसी के लिए परेशानी नहीं बनना चाहती। उसने अपने काम व कार्यालय के कर्मचारियों का भी जिक्र किया, लिखा कि सब उसे बेवजह नफरत करते हैं। सुरभि को लगता था कि उसका बच्चा भी उससे प्यार नहीं करता, जिंदगी उसे शराब लगने लगी थी। आई लव यू माई बेटू, मामा लव यू सो मच, लिखा उसने। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।